नमस्कार दोस्तों, रेसिपी फॉर ऑल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मुरमुरे के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए देखते हैं मुरमुरे के लड्डू बनाने की विधि। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गर्म करने रखा है। इसमें मैंने 3 कप पफ्ड राइस या मुरमुरे लिया है। अब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि हमें इसे सूखा ही भुनना है बिना तेल के। जब मुरमुरे कुछ फ्रेश होते हैं तब इसे अधिक देर ड्राई रोस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये थोड़ा पुराना है तो इसमें नमी आ जाती है और इसका क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमें इसे अधिक देर ड्राई रोस्ट करने की आवश्यकता होती है। इसके क्रिस्पीनेस को देखने के लिए हम एक दाने को लेकर तोड़कर देख सकते हैं। यदि यह एक आवाज़ के साथ आसानी से टूट जाता है, इसका मतलब यह है कि यह पर्याप्त रोस्ट हो चुका है। एक बार फिर मैं इसे देख रही हूँ, अब यह करारा हो चुका है। इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैंने 1 कप गुड़ का लिया है। गुड़ हम जितना लेंगे उसका 3 गुना मुरमुरा हमें लेना होगा। मैंने 1 चम्मच घी डाला है। अब इसे मध्यम आंच पर गुड़ के पिघलने तक हम गर्म करेंगे। गुड़ अब पिघल चुका है। इस तरह चलाते वक्त यदि हमें किनकिनाहट की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि हमारे गुड़ में अशुद्धि है या गंदगी है, तो छानने की आवश्यकता होती है। अगर आवाज़ नहीं आती है इसका मतलब आपका गुड़ शुद्ध है और खाते वक्त या इसमें से किनकिनाहट नहीं होगी। इसमें उबाल आने के कुछ देर बाद हम इसकी जांच करेंगे कि यह लड्डू बनाने के लिए सही हो गया है या नहीं। तो इसके लिए हम एक कटोरा लेंगे, कटोरे में पानी डालेंगे और फिर इसकी 1 बूंद उसमें डालकर हम देखेंगे। अगर यह पानी में आसानी से घुल जाता है इसका मतलब हमें इसे कुछ देर और उबालना होगा। तो मैंने इसे पानी में डाला है। अब यह थोड़ा सा नरम लग रहा है, हालांकि यह घुला नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा नरम है। तो अब इसे 1 मिनट और मैं चलाऊंगी। इसे हमें लगातार चलाना होगा वरना गुड़ एक तरफ से चिपकने लगता है। अब मैंने गैस बंद कर दिया है और एक साथ ही मैंने मुरमुरे को इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब यह अच्छे से मिल चुका है। क्योंकि यह गर्म है इसलिए हम पहले हाथों में पानी लगा लेंगे और इसे हल्के हाथों से दबाते हुए हम लड्डू बांधेंगे। बहुत ज़ोर से टाइट लड्डू हमें नहीं बनाना है। हल्के हाथों से इसे गोल आकार में दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे स्वादिष्ट लड्डू तुरंत तैयार हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।